नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देखना शुरू कर चुके हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे नज़ारा आप देख रहे हैं WAG-9 लोकोमोटिव है और एक रेक खड़ी हुई है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। शाहजहांपुर पीलीभीत तमाम सालों से जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था लगभग 4 सालों से, वो पूरा हो चुका है। और पूरा होने के बाद जनता के मन में कहीं ना कहीं इस बात का इंतज़ार था और सवाल था कि आखिरकार शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा। तो आज यानी कि 2 जुलाई 2022 को एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं, आज शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन जो है नवनिर्मित ब्रॉडगेज परिवर्तित लाइन पर शुरू होने जा रहा है। सुबह 7 बजे ये ट्रेन रवाना होगी और इस वक्त समय हो रहा है लगभग सुबह के 5:30। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आज हम आपको पूरी यात्रा शाहजहांपुर से पीलीभीत तक दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखिए इसका पूरा झलक और कितने कोचेज हैं, क्या कुछ जानकारी है, आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपसे हम एक निवेदन ज़रूर करना चाहेंगे, अगर आप आज हमें पीलीभीत से शाहजहांपुर या कह दें शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच किसी भी रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों की वीडियो भेज सकते हैं तो स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप हमें इस नंबर पे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो आज आप जो सामने देख रहे हैं WAG-9 लोकोमोटिव और इसके साथ में कुल मिलाकर 12 कोचेज़ वाली ये ट्रेन, इसमें 10 जनरल बोगी लगाई गई हैं और 2 SLR के कोचेज़ हैं। कुल मिलाकर 12 उत्कृष्ट कोचेस की ये पूरी रेक है और सुबह 7 बजे रवाना हो गई शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए। और हालांकि खासियत आपको बताऊं तो आम दैनिक यात्री और जो आम जनता से मेरी बातचीत हुई आज इस कवरेज के दौरान, सुबह सुबह जब प्रातःकाल यहां पर जो लोग टहलने आते हैं तो उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि पहली बात तो सबसे बड़ी ये थी कि आधा अधूरा यहाँ पर अभी भी काम नज़र आ रहा है। आप जिस तरह से प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई अब सुबह सुबह की जा रही है, जबकि ऑर्डर जो है वो 2 दिन पहले ही आ चुका था कि ट्रेनों का संचालन शुरू होना है। दूसरी कहीं ना कहीं दोस्तों एक कहीं ना कहीं अफसोस वाली बात ये नज़र आती है कि पहली ओर कई बार हम देखते हैं अक्सर हमें जब नए नवनिर्मित ब्रॉडगेज परिवर्तित लाइनों पर जब ट्रेनों का संचालन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेनों को सजाया जाता है, उद्घाटन होता है, मगर इस बार शाहजहांपुर पीलीभीत इस नवनिर्मित रेल प्रखंड पे जो ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, ना ही इसके मद्देनज़र ट्रेनों को सजाया जा रहा है और ना ही कोई भी पॉलिटिशियन, अमूमन हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियंस द्वारा उद्घाटन करवाया जाता है, हरी झंडी दिखाई जाती है कोई, या फिर रेलवे के कोई बड़े अधिकारियों द्वारा इस तरह का कार्य करवाया जाता है, मगर इस बार फिलहाल शाहजहांपुर पीलीभीत इस लाइन के लिए ऐसा देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, फिलहाल आज हम यात्रा करेंगे शाहजहांपुर से पीलीभीत तक इसी स्पेशल ट्रेन में। अगली जो वीडियो आएगी वो एक जर्नी वीडियो रहेगी और फुल जर्नी हम आपको दिखाएंगे शाहजहांपुर से पीलीभीत तक। और आपको बता दें, सामने आप देख सकते हैं किराया सूची की बात करें तो किराया शाहजहांपुर से पीलीभीत का 45 रुपये रखा गया है और कह सकते हैं एक तरह से ठीक है किराए को अगर हम एक तरह से आँकें। उसके साथ में टिकट आपको नॉर्दर्न रेलवे का जो टिकट काउंटर है वहाँ से भी मिल जाएगा और पूर्वोत्तर रेलवे का जो टिकट काउंटर है यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगा। वीडियो को जरूर प्लीज़ लाइक किया करें, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट हमेशा अपना बनाए रखिए। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।